जो लोग कहते हैं इस युग में भगवत साक्षात्कार कठिन है, दूसरे लोग ऐसा भी कहते हैं कलयुग है, कलयुग में भगवान का साक्षात्कार नहीं होता, भगवान का विग्रह का दर्शन कर लो भगवान का दर्शन हो गया, भगवान का साक्षात दर्शन कलयुग में नहीं होता, ऐसी कुछ लोगों की मान्यता है। पर इसी कलिकाल में, इसी गुजरात, इसी सौराष्ट्र की धरती पर भक्तराज नरसिंह मेहता को 52 बार भगवत साक्षात्कार प्राप्त हुआ है। नरसिंह जी का नानी बाई का मायरा ये तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया, मारवाड़ी जहां जहां है राजस्थानी वो तो मायरा खूब मायरा गाते हैं, छोटे छोटे बालक भी मायरा गाते हैं, और हमारे श्री राधा कृष्ण बाल व्यास जी तो मायरा के एकदम आचार्य हैं, अद्भुत नानी बाई का मायरा गाते हैं। कलिकाल में भगवान ने उनके पुत्र की बारात लेकर भगवान गए, अब सोचो नरसिंह जी के पुत्र की बारात लेकर भगवान गए, क्योंकि लड़की वाले ने, कहीं कहीं लड़के वालों के नखरे होते हैं, लड़की वाले का नखरा, लड़की वाले को ब्राह्मणों ने कहा और दूसरी जगह के नहीं, नरसिंह जी के कुटुंब के लोगों ने ही जाकर वहां कहा कि अरे 700 घर नागर ब्राह्मणों के हैं जूनागढ़ में, किसी का लड़का आपके पुरोहित जी को पसंद नहीं आया, एक भिखमंगे के लड़के के साथ आप जैसे रईस हैं, एक तरह के राजाधिराज जैसा आपके पास ऐश्वर्य है, और आपने एक भिखमंगे ब्राह्मण के पुत्र के साथ अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया, ये तो आपकी नाक ही कट गई। पुरोहित जी को बुलाया गया, क्यों भाई ऐसा क्यों किया? पुरोहित जी ने कहा मैंने तो अपनी बुद्धि से सोचकर विचार कर जो उचित था वही मैंने किया, आप तिलक वापस करके आओ। बोले अब वापस नहीं कर सकते, मैं अंगूठा काट दूंगा, मैंने अपने अंगूठे से तिलक किया है, मैं अंगूठा काट दूंगा लेकिन मैं वापस नहीं कर सकता। वे भगवान के महान भक्त हैं, आपको उनके बारे में भी ज्ञात नहीं है, आप बहुत बड़ा आदमी अपने को मानते हैं, तो आप अपने स्वरूपानुरूप विवाह की बात उनसे कहिए कि बारात बढ़िया लेकर आना, नहीं तो विवाह नहीं करूंगा। उन्होंने पत्र लिख दिया, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मेरी अपनी प्रतिष्ठा है, बड़ी बारात लेकर आओगे, हमारे स्वरूपानुरूप बारात लेकर आओगे, और मेरी बेटी का चढ़ावा, चढ़ावा जानते ना स्वर्णादि के आभूषण, वो लाओगे तो विवाह होगा, अन्यथा आपको वापस जाना पड़ेगा। आपने पत्र लिखा, पत्र के ऊपर लिखा था पुरोहित जी ने श्री कृष्णाय नमः। नरसिंह जी बोले हमको पढ़ना ही नहीं, क्यों? जिसके नाम की चिट्ठी उसी को पढ़ना चाहिए। ऊपर लिखा श्री कृष्णाय नमः, तो ये तो श्री कृष्ण की पत्रिका है, वो पढ़े, हमको क्या जरूरत पढ़ने की, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, चलो बारात में। लड़के को ले लिया एक टूटी फूटी बैलगाड़ी, और महात्मा तो बहुत थे महाराज जी उनके यहां, नरसिंह जी के यहां 16 महात्मा तो माताजी सूरदास थे, प्रज्ञा चक्षु, वो तो बेचारे उनका चलना कठिन, तो 16 सूरदास बैलगाड़ी में बिठाए गए। अब सोचो 16 बैठे कैसे होंगे, एक के ऊपर चढ़, एक के ऊपर एक चढ़ के बैठे होंगे। बस आने ही वाला था नगर, ठाकुर जी पहुंच गए, बोले नरसिंह जी कहो बारात जा रहा। हाँ बारात चली, आप भी चली, आपकी प्रतीक्षा थी। अरे बोले वहां पानी भी नहीं मिलेगा, ये तुमा के कमंडल और गोपी चंदन और तुलसी की माला बोझा के बोझा लाद के जा रहे हो, ये चढ़ावा होगा लड़की का? महाराज चिट्ठी तो आपके नाम थी, आप जानो। भगवान बोले तो ठहरना पड़ेगा,
ठहर गए नरसिंह जी, और 56 करोड़ यदुवंशियों को भगवान ने कलिकाल में प्रकट कर दिया। 56 करोड़ की बारात, इतने हाथी घोड़ा रथ कि महाराज बराती बारात जहां तक दिखे वहां बारात का समुद्र। लड़की का बाप अपने महल के ऊपर छत पर घूम रहा था, उसने कहा इतनी भीड़ भाड़, इतना हल्ला गुल्ला कहाँ से हो रहा है। पुरोहित जी ने कहा नरसिंह जी का के पुत्र की बारात आ रही है। वो तो हाथ पैर फूल गए, इतनी बारात लेके आ रहे हैं, ये कहते स्वरूपानुरूप बारात लेके आना। अरे इनके बारात में जितने घोड़े हैं ना, उनको घास डालने की बात तो दूर रही, उनको पानी नहीं पिला सकते हम, बरातियों को क्या खिलाएंगे। मुंह सूख गया लड़की के बाप का। बोला अब क्या करें। बोले नरसिंह जी के चरण पकड़ो। नरसिंह जी के चरण पकड़े, रोने लगे। इस पक्ष की लाज भी नरसिंह जी आपके हाथ में है। नरसिंह जी ने कानों पर हाथ रखकर कहा दोनों पक्ष की लाज श्री द्वारिकाधीश को है। ये जो कह रहे हैं कि मैं नरसिंह का गुलाम हूं, ये गुलाम नहीं है, मेरे प्राण जीवन धन द्वारिकाधीश हैं, इनके चरण पकड़ लो। रोने लगा लड़की का बाप। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। आप सोचिए क्या साधन था उसका। भगवान बोले भाई अब हमारे गुरु जी ने कह दिया कि दोनों पक्षों की लाज बचाना है नरसिंह जी महाराज ने, तो दाऊ जी से कहा कि आप तो लड़की की तरफ हो जाओ, लड़के की तरफ हम रहेंगे। तो लड़की की तरफ कुछ बराती घराती हो गए, और वो दाऊ जी के पक्ष में जाकर के लड़की की ओर से व्यवस्था बनाई, और इधर लड़के की ओर से ठाकुर जी हैं। ऐसी ऐसी लीलाएं नरसिंह जी के साथ हुई। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।